और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, सुलूर एयरबेस से सभी 13 पार्थिव शरीर लेकर विमान उड़ान भर चुका है। लगभग 7 से 7:30 बजे के करीब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट ये सभी पार्थिव शरीर पहुंच जाएंगे। तो पार्थिव शरीर लेकर दिल्ली के लिए एयरबेस सुलूर एयरबेस से विमान ने उड़ान भरी। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, एम्बुलेंस के जरिए सुलूर एयरबेस इन सभी पार्थिव शरीर को लाया गया और उसके बाद अब विमान इनको लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पार्थिव शरीर लेकर दिल्ली के लिए विमान सुलूर एयरबेस से रवाना हुआ। लगभग 2 घंटे से 2.25 घंटे की ये फ्लाइट होगी। 7 से 7:30 बजे के बीच में ये सभी पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। तो फिलहाल का जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि जनरल बिपिन रावत समेत सभी 12 पार्थिव शरीर को लेकर विमान सुलूर एयरबेस से उड़ान भर चुका है। पिंकी राजपुरोहित, क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए, बिल्कुल मॉर्टल रिमेंस को लेकर जो है पहुंच चुके ये सुलूर एयरबेस से जो है इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट T-130J उड़ान भर चुका है और ये दिल्ली के पालम एयरबेस पहुंचेगा। और आप बता दें कि 13 लोगों के मॉर्टल रिमेंस जो है वो इसमें इस वक्त मौजूद है और साथ ही टेक ऑफ कर चुका है सुलू से। इससे पहले वेलिंगटन से पालम सुलू एयरबेस लाया गया था इनके पार्थिव शरीर को, वहां से अब इंडिया एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट T-130J से अब इन्हें दिल्ली लाया जा रहा है, जहां पर अब उनका उन्हें जो है अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह है लोन सर्वाइवर, उनको भी जो है बेंगलुरु लाया जा रहा है। कुछ ही पल में जो है बेंगलुरु पहुंच सकते हैं, उन्हें एयर एम्बुलेंस बेंगलुरु लाया जा रहा है, जहां पर कमांड उनका आगे का इलाज किया जाएगा। जी बिल्कुल पिंकी राजपुरोहित हमें दो बड़ी जानकारी दे रही हैं। पहली जानकारी ये कि एक विशेष विमान के जरिए सभी 13 पार्थिव शरीर को लेकर विमान सुलूर एयरबेस से उड़ान भर चुका है और कब पहुंचेगा पार्थिव शरीर दिल्ली, आगे आपको दिखाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।